और आ गई आइए थोड़ी चर्चा आपके बीच प्रस्तुत है मंचासी मुद मंगलमय संत समाज आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं श्रद्धा मूर्ति देवियों मैं आपके बीच कबीर साहब की एक शाखी पर चर्चा करना चाहूंगा थोड़ी देर कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए बोया पेड़ बंबूल का आम कहाँ से खाए ये शाखी सबको याद है ऐसे नहीं है कि किसी की याद ना हो प्राय सत्संगी को ये याद है अपनी की हुई कमाई निष्फल नहीं जाती है यदि कोई अपने आंगन में बंबूल का पेड़ लगाए वो चाहे सरस आम का फल खाएं ये संभव नहीं है सतगुरु कबीर साहेब कर्मों पर वे विश्वास रखते हैं वे भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं, कर्मों पर वे विश्वास रखते हैं। कर्म वास्तव में अगर हमारा अच्छा है तो हमारा जीवन का अच्छा निर्माण होगा किसी ने बढ़िया कहा है कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत हमारी दासी है धर्म हमारा अच्छा है तो घर में मथुरा काशी है कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बने अविनाशी है कर्म धर्म दोनों खराब तो गले के अम की फांसी है कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत हमारी दासी बन करके सेवकाई करेगी क्योंकि कर्म के अनुसार किस्मत बनती है कर्म के अनुसार भाग्य बनता है कर्म के अनुसार तकदीर बनता है कर्म के अनुसार प्रारब्ध बनता है भाषा भिन्न किंतु जो तथ्य है वह वही है क्योंकि कर्म के अनुसार हमारा भाग का निर्माण होता है तकदीर का निर्माण होता है यदि हमारा कर्म बढ़िया है तो अच्छा तकदीर का निर्माण होगा किसी ने बढ़िया कहा है समय से पहले समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता है यदि हमारे तकदीर में है भाग्य में है किस्मत में है हमने अच्छी कमाई की है पूर्व में तो लाख शैतान मिलकर के हमारा तकदीर को हमारी किस्मत को बिगाड़ नहीं सकती यदि हमारा भाग्य में है तकदीर में है किस्मत में है हमने अच्छा निर्माण किया है तो लाख शैतान मिलकर के हमारा भाग का हुए कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए क्योंकि हमने अच्छे संस्कारों का संग्रह किया है यदि हमने अच्छे संस्कारों का संग्रह नहीं किया है तो लाख साधु महात्मा भगवान मिलकर के हमें कुछ भी दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमने भाग का अच्छा निर्माण नहीं किया है तकदीर का अच्छा निर्माण नहीं किया है और ये कैसे होगा कर्मों के अनुसार बन, बनते हैं कर्म हमारा अगर बढ़िया है तो अच्छे संस्कार बनेंगे और अच्छे संस्कार हमारे लिए सुख और दुख के रूप में सामने आएंगे जो करते हैं वो हमारे सामने आएंगे वो जाएंगे नहीं लोग सोचते हैं कि भगवान कार देंगे अथवा आजकल तो बहुत सस्ता नुक्सा दिया गया है गंगा में नहाओ पाप कट जाएगा हम तो गंग गंगा के किनारे ही रहते हैं बरसों बरसों से चालीस साल से अलाहाबाद में रहना हो रहा है और प्राय गंगा के किनारे हमारा शिविर भी लगता है और मुझे हर वर्ष वहाँ रहना होता है लाखों लाखों लोग पाप काटने के लिए वहाँ आते हैं अगर पाप कट जाए तो जनसंख्या अपने आप कम हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं जो हम करेंगे वो लौट के आएंगे अच्छा करें या बुरा करें जो बोएंगे वही लौट कर आएंगे खेत में बोएंगे वही फसल के रूप में आएंगे इसलिए साहब तो कहते ना कबीर कमाई आपने अपनी कमाई जो की गई है वो निष्फल नहीं जाती है लौट करके ही वह मिलना ही मिलना है एक गांव का आदमी था गया हुआ बाजार सौदा करते करते समय हो गया उन्हें बड़ी भूख लगी थी देख रहा था कहीं होटल तो नहीं है संजोग से एक चौराहा आया बोर्ड टंगा हुआ था यहाँ कोई भी आकर के मनपसंद भोजन कर सकता लेकिन है लेकिन शर्त यह है कि उनका जो बिल है उनका पोता पटाएगा उनको पटाना नहीं पड़ेगा वो तो अहो भाग्य अपना समझा गया अंदर नई जब कुर्सी लगी हुई थी बैठा इशारा किया मन पसंद भोजन आने लगा भूख तो लगी थी खूब खाया छक्कर कर पानी पिया अब उठने वाला है इतने में मैनेजर आया और पांच सौ का बिल उन्हें थमा दिया उन्होंने कहा भाई साहब आपने बोर्ड में क्या लिख रखा है उन्होंने कहा भाई साहब सही लिख रखा हूं अरे भाई आपके जो दादा खाया है ना उसका बिल कौन पटाएगा अरे आप खुद पटाना पड़ेगा जो आप खाया है ना तो आपके पोता पटाएगा बंधुओं हम खाए हमारा बिल हमारा पोता पटाए हम गलत करें गलत का परिणाम हमारे ही सामने तो आएगा इसलिए सदैव सावधान होकर के ही हमें कर्म करना है मनवाणी कर्म से जो हम कर्म करते हैं उसके संस्कार तुरंत बनने लगते हैं और वो संस्कार हमें समय से वह हमें कुरे देगा हमको दुख भोगा करके रहेंगे ही रहेंगे कर्मों का परिणाम अवश्य आता है इस संदर्भ में मुझे महाभारत की याद आता है महाभारत में कौरव और पांडवों का तो युद्ध चला है सब जानते हैं राज के लिए संक्षिप्त में कहना चाहूंगा पांडवों की तो विजय हुई कौरों का तो सर्वनाश हो गया अब राजगद्दी की बात आती है तब युधिष्ठिर किस प्रकार वह संताप में डूबा हुआ है वह स्वीकार नहीं रहा है वो क्या कह रहा है मैं अपने सुहदों का द्रोही और अवेकी हूं वैसे वैसे श्रेष्ठ सुहादों का बध करके अब मुझे जीवन राज अथवा धन से कोई नहीं हमने शूरवीर को मारा और पाप किया और अपना ही देश का विनाश किया को मार कर हमारा क्रोध तो दूर हुआ परंतु मैं शोक से निरंतर घिरा रहता हूँ अर्जुन हम लोग विष्णु वंशी अंधक वंशी क्षत्रियों की नगरी द्वारका में भीख मांगते हुए जीवन निर्वाह कर लेते तो आज अपने कुटुंबियों का निर्वश करके आज इस दुर्दशा को प्राप्त न होती महाराज विजय के बाद किस प्रकार वे महाभारत में और इसी संदर्भ में प्रसंग आता है कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए बंधु बांधवों की आत्म शांति के लिए जलांजलि देने के लिए पांचों पांडव द्रौपदी के सहित गंगा के किनारे एक महीना रुके हुए हैं उन्हीं दिनों में देवर्षि नारद वहां आए हैं कुशल मंगल के बाद देवर्षि नारद ने कहा धर्मराज विजय पा लेने के बाद सारा राज आपका अधीन हो गया क्यों संतुष्ट हो ना तब महाराज दृष्टि रुदे में क्या कह रहे हैं यह बात भगवान सच है विजय पा लेने के बाद सारा राज मेरा अधीन तो हो गया लेकिन मैं इस विजय को वहां ही समझता हूँ जिसमें अपने ही बंधु बांधव मारे गए जिसकी प्राप्ति के लिए मैं अपने प्यारे पुत्रों की बलि चढ़ानी पड़ी उसे विजय कैसे कहा जाए मुनिवर मैं अपने ही बड़ा भाई दानवीर कर्ण को शत्रु समझकर मार डाला राज के लोभ में पड़कर मैंने घोर पाप कर डाला जिस वीर ने अपनी माता से की हुई प्रतिज्ञा का पालन करते हुए हम लोगों की प्राणों की भीख दी थी आज हम उन्हीं भाई को हमने अन्याय से मारा आप ही बताइए मुझसे बढ़कर के नीच और दुरात्मा कौन होगा आप संतुष्ट होने की बात पूछते हैं मेरा हृदय जिस व्यथा से भरा है उसे कह पाना कठिन है महाराज धृष्टिर किस प्रकार संतापित हैं इतिहास में भी औरंगजेब का पढ़ा जाता है वो अपने तीन भाइयों की हत्या वे करवा दिए दारा सिखो जैसे भाई को हत्या उन्होंने करवाए और अपना ही पिता शाहजहां को कैद कर लिए और यहां तक उनसे कहा गया आपको एक प्रकार का अन्न दिया जाएगा बताइए जिसकी पैदाइश में जन्म उत्सव मनाया गया कस्तूरी बांटे गए आज वही संतान उसको संतापित दे रहे संताप दे रही है अब ये कह रहे हैं कि आपको एक प्रकार का अन्न दिया जाएगा आंसू बहाते हुए कहा बेटा जो आपकी मर्जी हो तुम्हारी चना दे दो चना दिया गया एक दिन वो सम्राट भारत का सम्राट था आज वो एक कमरा का सम्राट और एक अन्न पर एक प्रकार का अन्न उन्हें दिया जा रहा है और उनके जो पुत्र औरंगजेब अंतिम अवस्था में किसी पुत्र को राज देना वे नहीं चाह रहे और अंत में वो खत लिखता है महाराष्ट्र के जंगल से वे खत लिखता है कि बेटा मैं अकेला आया था अब अजनबी की तरह वापस जाता हूं मैंने जितना दिन राजकाज में बिताया मुझे केवल दुख ही मिला सुख नहीं मिला जिंदगी बेशकीमती मिली थी यो ही चली गई जीवन क्षणिक है अतीत भूतकाल तो गुजर गया भविष्य की कोई आशा नहीं अब मुझे अपनी आखिरत की चिंता है दंड पाने से घबरा रहा हूँ यद्यपि अल्लाह मेहरबान है फिर भी जो मैंने किया है जो मैंने पाप किया है जो गल, मैंने गलती की है उसका परिणाम तो मेरे साथ जाएगा खाली हाथ आया था अब गुनाहों का भार लेके जा रहा हूँ अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊ इस डर से मैं कांपता हूँ बताइए बड़े से बड़े क्यों ना हो यदि पाप किया है गलत किया है उसका परिणाम सामने आएगा बंधुओं इसलिए ना अपने लिए पाप किया जाए ना परिवार के लिए किया जाए ना समाज के लिए किया जाए जो हम करेंगे वही हमें लौट के मिलेगा कबीर कमाए आपनी निष्फल कभी न जाए मेरा समय पूज्य साहब को मैं क्या कहूँ अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ बोलिए सदगुरु देव की जय अभी हम सब आदरणीय संत श्री कृपा शरण साहब जी के विचारों से लाभ ले रहे थे आगे हम श्रवण करते हैं परम पूज श्री अमो साहब जी से आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की महान कृपा करें बोलिये श्री की, संत समाज की के आनंद की ध्यान ध्यानमूलं पूजा मूलं गुरुपदं। मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा बो सत्यकबीर के चरणकमलशिरनाय जासु ज्ञान दिनकर निकर्भ्रमतं बंदों श्री गुरु पद कमल हरण विघ्न त्रैताप जन्म मरण कलिमल हरण करना से रुज पाप इस आयोजन में पधारे हुए पूज्य श्री साहेब जी उपस्थित वंदनीय समाज धर्म परमात्मेमी भक्त सज्जन श्रोतागण भक्ति और शक्ति की स्रोत श्रद्धमय माता एवं बहन आज हम तीन दिनों से संत गुरुजनों के दर्शन और उनके सत्संग का लाभ ले रहे हैं ये हमारा सौभाग्य तीन प्रकार के भाग होते हैं सौभाग्य अभाग्य और दुर्भाग्य सौभाग्य है पहले हमने भक्ति ज्ञान धर्म सदाचार के संस्कार तैयार किए थे इसी पुण्य संस्कारों के कारण सौभाग्य के कारण हमें ये मानुष देह मिली ये सौभाग्य इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा संचित कर्म उदय जब हुई और मानुष जन्म पावे तब सोई जब पूर्व शुभ संचित उदय होते तब मानव शरीर मिलता हमारा है हमारा सौभाग्य और उसके साथ सौभाग्य क्या है अच्छा परिवार मिला सौभाग्य है अच्छा समाज मिला सौभाग्य है और गुरुजनों का सत्संग मिला ये भी सौभाग्य है और जीवन में जो हमारे जीवन में अच्छाइया आ रही है परिस्थितियों में अच्छा बना आ रहा है ये भी सौभाग्य है दुर्भाग्य क्या है दुर्भाग्य यही है कि हमारे जीवन में दुख है कष्ट है कलेश विपत्ति या गलत लोगों की संगत का असर जो हमें कष्ट हो रहा है ये सब दुर्भाग्य ही है अभाग्य क्या चीज है अभाग्य है मानव शरीर मिला सब कुछ ठीक मिला परिवार अच्छा मिला पर हम परेशान है हैरान हैं चलाने का ढंग ही नहीं है अभागा तो है कितनी अच्छी चीज आदमी को मिल जाए और उसको चलाने का ढंग नहीं होता वस्तु भी बर्बाद हो जाती है और उस वस्तु से जो सुख मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता यही हमारा अभागापना है मानव शरीर मिला सब कुछ मिला पर आज हम परेशान है हैरान है दुखी है मन से अभागे तो हैं एक कहानी मुझे याद आ गई एक व्यक्ति था वो व्यापार करता है कभी कपड़े का धंधा कर लेता कभी सब्जियों का धंधा कर लेता और कभी कभी जैसे बरसात में मौसमी धंधा छाता आदि बेच लेता ठंडी में कम्बल आदि रजाई आदि बेच लेता ऐसे करते करते गर्मी का जब दिन आया तो पंखे का धंधा करने लगा और पंखा काहे का बनाता था वो सड़े बांस की पंछी को ले आता छील छाल के तैयार करके कच्चे धागे से बना लेता और खूब बढ़िया सुंदर रंग रोगन बेल बूटा बनाकर तैयार कर देता था आदमी के जीवन में जब बेईमानी आती है तो वो क्या करता तीन काम करता काम करता दिखावटी बात करता बनावटी और वस्तु देता मिलावटी इसी प्रकार से उसने वही काम किया कि दिखावटी काम था पंखा ऊपर से बढ़िया और भीतर घसड़ फसड़ राजा के दरबार में पहुंचा राजा से कहा सरकार मैंने पंखा आपके लिए लाया हूं बहुत सुंदर पंखा है राजा ने देखा गजब का पंखा कह यार पंखा तो बढ़िया है पर दाम इसका बताओ क्या सरकार इसका दाम है सौ रुपया राजा ने कहा यार हाथ का पंखा और धागे और बांस की कलमी का पंखा और सौ रुपया बहुत ज्यादा बता रहा है उसने कहा सरकार इसमें कुछ विशेषता है क्या विशेषता है कि ये सो पीढ़ी तक चलेगा बाद दिया। राजा ने झांसे में आकर के पंखा को हाथ में लिया और पैसा उसको दे दिया और जब उसके हाथ में पंखा आया राजा के हाथ में पंखा आया तो राजा को सौख उठी जब कई कभी कभी नई चीज मिल जाती है तो आदमी के साथ उठती है कि पहन लो खा लो दिखा दो लोगों को घरों में जब जेवार गहने आते तो बहने लोग पहन के दिखा देती ठीक लग रहा नहीं आपके घरों में जब कपड़े आते हैं तो एक बार पहनते जम रहा को नहीं जम रहा हूं ऐसे ही राजा को शौक उठी और पंखे को झटके से चलाया कच्चे धागे का पंखा था टूटी कच्चे बांस की पंछी थी बिखर गया राजा ने कहा आदमी कह रहा था बड़ा बेईमान कह रहा था कि सौ पीढ़ चलेगा और ये तो अभी टूट गया बुलाओ गांव में बेच रहा था आया क्या सरकार क्या बात है क्या यार तुम कह रहे थे कि पंखा सौ पीढ़ी तक चलेगा परंतु ये तो अभी टूट गया तुम बड़े बेईमान हो क्या सरकार ने सौ ने हजार पीढ़ी भी चल सकता था परंतु एक सिद्धांत है आप उसको मानोगे कि नहीं मानोगे राजा ने कहा भाई बता कौन सा सिद्धांत क्या सिद्धांत यह है कि वस्तु कितनी अच्छी हो और चलाने का ढंग ना हो तो वस्तु भी बर्बाद हो जाती है और वस्तु से जो सुख मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल पाता तो इस सिद्धांत को मानोगे राजा ने कहा बिल्कुल ठीक मानता हूं। कि कितनी अच्छी चीज है चलाने का ढंग ना हो तो बर्बाद हो जाएगी और उससे सुख भी नहीं मिलेगा उसने कहा सरकार यही तो मेरे पंखे में हुआ यह सौ नहीं हजार पीढ़ी ही चलता परंतु आपको चलाने का ढंग नहीं था टूट के बिखर गया राजा ने भूल स्वीकार की और कहा कि यार अब बताओ यो सो पीढ़ी कैसे चलेगा कैसे चलाया जाता है उसने कहा सरकार ऐसे पंखा नहीं हिलाया जाता तब क्या पंखा को खड़ा कर रो सिर हिलाओ उसके सामने ऐसे ऐसे सो नहीं हजार पीढ़ी चले कहानी का तात्पर्य जो भी वस्तु हमें प्रारब्ध से मिली वो हमारा भाग्य है हमारे पूर्व पुरुषार्थ से मिली और आज हमारे सामने आ गए वो हमारा भाग्य है और जो आपके भाग्य में है उसको चलाने का हमें ढंग नहीं मालूम है दो ही तरीका है चलाने का परिवार मिला समाज मिला बाल बच्चे मिले पत्नी मिली और भी चीज मिली और उसको चलाने के दो ही तरीके हैं कौन कौन से तरीके हैं सबसे पहले सावधानी और पुरुषार्थ आप पुरुषार्थ कीर्ति और सावधानी पूर्वक कीजिए और यदि उसमें सफलता और विफलता दो ही होगी कभी सफलता भी होगी कभी विफलता भी होगी तो सफलता जब होगी तो संतोष कर लीजिए और विफलता जब होगी तो सह लीजिए दो ही तरीके जीवन को चलाने के लिए हमारे पास में दो ही तरीका है जब आपके जीवन में विपरीत अवस्था आती विफलता आती सह लीजिए हम सह नहीं पाते आए हुए दुख को भी और दुख बढ़ा लेते हुए असहनशीलता का कारण है और जब जीवन में सफलता आती है तो हम संतोष नहीं कर पाते और होता और होता और अच्छा होता कभी कभी किसी से पूछो भैया आपके घर में पत्नी क्या हाँ ठीक तो है पर मेरी पत्नी से पड़ोसी की बहुत अच्छी बच्चे हाँ ठीक ही है पर मेरे लड़के से पड़ोसी का अच्छा और पड़ोसी से कहो तो वो भी वही कहता जो हमारे पास में है उसमें संतोष नहीं हो पाता इसको कहते हैं असंतुष्टि जीवन में असंतुष्टि ही दुख का कारण है हमारे पास सहने की कला हो और संतोष करने की कला हो कौन हमें रूला कर सकता है कौन हमें दुखी कर सकता है ये कला कहीं बाहर नहीं मिलती ये संत गुरुजनों से मिलती है संत गुरुजनों के सत्संग से मिलती है और अच्छे लोगों से मिलती है इसलिए कहा जाता है कि हमें मानव शरीर मिला पर हम दुखी अशांत क्यों हैं असहनशीलता और असंतोष आदमी इसलिए परेशान है और हैरान एक है। और ये असंतोष कब पैदा होता असंतोषी आदमी कामना ज्यादा बनाता और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो असंतोष होता हम कामनाएं ना बनाए हम मेहनत करें फुरस्थ करें पुरुषार्थ जो सफलता मिलती है उसमें संतुष्टि आएगी पर पहले से कामना बना लेते हैं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए और उसके अनुसार यदि नहीं हुआ तो हम हैरान और परेशान होते तो हमारी मन की अज्ञानता है एक व्यापारी था तो क्या हुआ कि बंबई कपड़ा खरीदने के लिए गया कपड़े खरीद लिया दस हजार रुपये में और मन में कामना बना लिया कि कपड़ा बिकना चाहिए तीस हजार में और कपड़ा भी का बीस हजार में तो भी दस हजार का लाभ तो हुआ पर उसने मन में कामना बनाई थी कि तीस मिलना चाहिए बड़ा दुखी हो गया और दस हजार की हानि हो गई दस हजार की हानि हो गई यही चल रहा है आदमी का एक ये है कि जब लाभ होता है तो उसको छिपाता है और जब हानि होती तो उसको उभारता है जब जीवन में दुख आता है तो उसको उभार के बताएगा जितना नहीं उतना बता देगा और जब जीवन में सुख आता, तो आता है तो उसको छिपाता है इसी प्रकार से वो सबको बताने लगा बेदी दस हजार की हानि हो गई दस हजार की हानि हो गई गुरुजी आए गुरुजी ने कहा कहो भैया और सब ठीक है।, है गुरुजी सब तो ठीक है पर दस हजार की हानि हो गई महात्मा ने समझाया कैसे भैया क्या कपड़ा का धंधा करता था गुरुजी जी दस हजार की हानि हो गई महात्मा ने कहा कभी हानि कभी लाभ होता भैया सहो इतने में आदमी तो चला गया सेठ तो चले गए दुकान महात्मा जी उनकी पत्नी को समझाने लगे देवी तुम अर्धांगनी हो सेठ जी बड़े परेशान है कपड़े के धंधे में दस हजार की हानि हो गई है इसलिए समझाया करो सेठानी ने कहा गुरु जी हानि होती तो समझाती दस हजार का तो लाभ हुआ तो कैसे समझाऊं क्या दस हजार का कैसे लाभ हुआ कहानी का तात्पर्य है कि मूर्खों को समझाना बड़ा कठिन है एक बड़ा सुंदर लोगों ने बना रखा है कि चीटी को लिपस्टिक लगाना मुश्किल है चीटी को लिपस्टिक लगाओगे पाओगे चीटी को लिपस्टिक लगाना मुश्किल है मच्छर को कपड़ा पहनाना मुश्किल है और हाथी को गोद में बैठाना मुश्किल है और मूर्खों को समझाना मुश्किल है इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि गुरु जी उसकी तो दस हजार की लाभ हुआ है समझाओ क्या? क्या कैसे दस हजार का लाभ हुआ तो हानि कह रहे थे क्या इसलिए महाराज देखिए कि, कि कपड़ा खरीदा गया था दस हजार में और बिका बीस हजार में तो दस हजार का लाभ हुआ कि नहीं क्या हाँ हुआ, हुआ महाराज तो हानि कैसे कह रहे थे क्या उनमें मन में कामना बना लिया था कि तीस हजार मिलना चाहिए तो तीस हजार कोई बैठा जो दे देगा ये हमारी मन की दौड़ मल की कामनाएं इसलिए हम अशांत और असंतुष्ट हैं जीवन में दुख क्यों दुख ही असंतोषी का कारण है इसलिए हमें मानव शरीर तो मिला पर उसको चलाने का ढंग नहीं मालूम सौभाग्य से मानव शरीर मिला इस सौभाग्य मानव शरीर को पुरुषार्थ से आगे बढ़ाया जाता है सौभाग्य पुरुषार्थ से बढ़ता है पर हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते लाचार होकर के बैठे रहते हैं मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो पुरुषार्थ करने वाला प्राणी है करने वाला प्राणी है और ये पुरुषार्थ के तीन साधन आपके पास में है। जो आपके सौभाग्य बना सकते हैं आपके भाग्य को भी आगे बढ़ा करके आपको सुखी बना सकते हैं वो ये साधन है कौन कौन से जो आपको मिले हैं कल या परसों मैंने निवेदन किया था दिल, दिल दिमाग इंद्रिया ये तीन साधन ये पशुओं के पास में नहीं है पर इस पशु इससे उपभोग कर सकते हैं इनका उपयोग नहीं करते इनसे खा पी सकते हैं चल सकते हैं पर इनसे मेहनत नहीं करते उनके भी हाथ पे पैर हैं पर पैर से कोई काम नहीं कर सकते वो चल फिर सकते मुंह है खा सकते हैं बाणी भाषा नहीं बोल सकते शरीर है पर उससे पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं और यदि कहो कि गुरु जी पुरुषार्थ करते हैं तो आप करवाते हो तब करते हैं ऐसे थोड़ी करते हैं इसलिए ये तीन साधन आपको मिले हैं दिल दिमाग और इंद्रिया और इनका पुरुषार्थ क्या है दिल में साहस हो दिमाग में समझदारी हो आप जीवन में पुरुषार्थ कर सकते हो और उसके साथ साथ में आपके पास में मिला है दिल दिमाग और इंद्रिया इंद्रियों से मेहनत करो सफलता क्यों नहीं मिलेगी हाथ पांव बांध के बैठे रहो और कहो कि अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम और दास मलूक का कह गए सबके दाता राम तो को राम कहीं अलग से दे देंगे ये भाग और भगवान आलसियों का टेक है पुरुषार्थ भाग और भगवान के भरोसे नहीं रहता वो पुरुषार्थ करता मेहनत करता है आगे बढ़ता और भाग और भगवान के भरोसे पूजा पाठ जप तप से हम सफलता प्राप्त करना चाहें ये पुरुषार्थियों का काम नहीं है पुरुषार्थी आदमी पुरुषार्थ करता आलसी आदमी मांगता है देवी देवताओं के मंदिर बना करके उनमें मांग रहे ये प्रभु ये दे दो ये दे दो मनुष्य एक ऐसा प्राणी जो मांग ना करे जो मेहनत और सफलता करके आगे बढ़े प्रार्थना भी आज कैसी बनी प्रार्थना है जो वासना को पूरी करने वाली है मांग मंदिरों में जाते है, मांगते है। हे भगवान ये दे दो वो दे दो हाथ में अगर बत्ती अभी रखी है अभी कहीं चढ़ाई नहीं नारियल भी हाथ में रखा है भगवान मुकदमा जीत जाऊं दुश्मन मर जाए दुनिया भर का मांग लेगा इसलिए ये आलसिन का काम है मांगो मत मेहनत करो और यदि मांग भी हो प्रार्थना भी हो तो साधन की हो वस्तु की नहीं हम साधन को मांगे हे प्रभु मेरे बल दो शक्ति दो खैर वो आपकी भावना है वो भी मांगने से नहीं मिलती पर भावना प्रार्थना की पहले की कितनी सुंदर प्रार्थना थी देखिए आप जब आप और हम छोटे बच्चे थे और उस समय स्कूल में जाते थे तो प्रार्थना करते थे तो क्या कहते थे भगवान प्रणाम तुम्हें करते हम छोटे छोटे बालक हैं हे भगवान हम आपको नमस्कार करते हम छोटे छोटे बच्चे क्या कौन चीज दो हमको तो हमको बलवान बना दो तुम बल दीजिए साधन उस साधन के आधार पर पुरुषार्थ करके हम आगे बढ़े हमको बलवान बना दीजिए हमको गुणवान बना दीजिए और गुण भी दीजिए जिससे हम पुरुषार्थ करके आगे बढ़े और महात्मा गांधी की भी प्रार्थना कितनी सुंदर है ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान हे प्रभु आपका नाम ईश्वर और अल्लाह है आपको सद्बुद्धि हम सबको सद्बुद्धि दीजिए ताकि साधन के द्वारा हम पुरुषार्थ करके आगे बढ़ें और आज की प्रार्थना सुख संपत्ति घरे आवे और कष्ट तन का करना धरना कुछ ना पड़े इसलिए हमको इतना लाचार बना दिया गया है संत कहते नहीं पुरुषार्थ करो मेहनत करो सफलता पाओगे पुरुषवार्थ करने वाले प्राणी का नाम पुरुष है और पुरुष का भूषण पुरुषार्थी है मानव में दो वर, दो वर्ग है नर और नारी और इनका कर्तव्य क्या है नारी हो चाहे नर हो सब पुरुषार्थ के अधिकारी हैं। मनुष्य की विशेष नर की विशेषता क्या है जब वो पुरुषार्थी हो मेहनत करे तो नर की विशेषता है पुरुष है ना वो इसलिए पुरुषार्थ करें और और कहे कि तो ये मूछ में दूध निकले ना घी निकले कितने लोग कितने हम मर्द हैं पता नहीं दूध निकले ना घी निकले और मर्द बने जा रहे हैं शराब पी रहे हैं नाली में गिर रहा है और मर्द की मर्द बने है? अब ये मूछ उमेठना कब से चला ये भी बता देता हूं अब जब से चला हो कहानी बनी है बच्चों को पहले स्कूल में पढ़ाया जाता था ये पढ़ाया जाता था कि पहले मनुष्य बंदर था धीरे धीरे पूंछ गल गई तो आदमी में परिवर्तन हो गया पर ऐसी बात नहीं है बंदर खानी अलग है और मानव खानी अलग है बच्चों ने स्कूल में पढ़ा था कि हम सब बंदर ही थे पहले तो बंदर की संतान सब फिर कहां गई है पूछ बहस होने लगा बच्चों में अध्यापक नहीं आए थे तो क्या बंदर की संतान सब फिर कहा गई अब पूछ एक लड़के ने कहा दूसरे ने कहा पूछ के बार उखाड़ के प्रभु धर दी नहीं है मूछ पूछ के बार उखाड़ के भगवान ने ऊछ में धर दिया इसलिए वो बैठते मर्द वही है जो पुरुषवारती है बाहर की संपत्ति कमा के लाए और अपने बाल बच्चों अपने भविष्य बनाए बचा हुआ धन को समाज में लगाए इससे धर्म भी बनेगा कितनी सुंदर बात प्रभु सागर जी ने कही है उन्होंने बड़ा सुंदर कहा उन्होंने कहा कि अपनी कमाई संपत्ति हमारी बेटी हमने पैदा किया पिता की कमाई संपत्ति हमारी बहन है क्योंकि बाप ने हमें भी पैदा किया उसको भी पैदा किया है और पिता मह दादाजी की कमाई संपत्ति हमारी बुआ है इसलिए बहन बेटी और बुआ को दान दिया जाता है और उनको सदव्यवहार किया जाता है संपत्ति से सदव्यवहार करें खाएं पिए शरीर में लगाए बाल बच्चों का भविष्य बना और बनी हुई संपत्ति कमाई हुई संपत्ति बची हुई संपत्ति को धर्म में भी लगाए ये है पुरुषार्थ, यह है मर्द काम का। इसीलिए पुरुष की शोभा है पुरुषार्थ करने में और नारियां भी पुरुष है यदि घट के अध्यास से इनको यदि नारी कहें महिला शब्द आया तो इनका पुरुषार्थ क्या है महिला शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ है जो महल की सुरक्षा करे वो महिला खेत में धन कमाए या बाहर से व्यापार या नौकरी करके धन लाए वो पुरुष और घर में रह करके घर की सुरक्षा करे पति के कमाई की संपत्ति को सदुपयोग करे वो महिला अब कौन कौन सा पुरुष इनका पांच काम है आपका तो केवल एक का ही काम है कि बाहर से कमा धमा के लाओ और इनके पांच पांच काम है तो ये बड़ी कि आप बड़ी महिला छोटी है रे तो आपसे बड़ी है पांच काम करने वाली अब इनके पांच काम में सबसे पहला काम कौन है आपकी कमाई हुई संपत्ति को ठीक से उपयोग करे पति जो बाहर से कमा के लाता है उसको ठीक से उपयोग करे तब तो आपका घर चलेगा कमाई कम और खर्च ज्यादा तो कैसे घर चलेगा कोई आकाश से फटेगा पैसा क्या ये ध्यान रखना चाहिए सबसे पहला काम इसलिए इनको ग्रहणी कहा है पति की कमाई हुई संपत्ति को ठीक से उपयोग करें उसका नाम है महिला पहला पुरुषार्थ दूसरा पुरुषार्थ है घर में आए गए लोगों का स्वागत सत्कार करना यह घर की शोभा है आपके घर में जब कोई आता है जिसको कहते अतिथि और वो किसलिए आता है इसलिए आता है कि आपसे मिलने के लिए और आप उनका स्वागत और सत्कार ना करो तो तो, तो घर बाहर से आए गए लोगों का स्वागत सत्कार करना यह दूसरा काम महिला का है बैठाना उठाना पुरुष घर में थोड़ी बैठा रहेगा महिला ही तो रहती तो ये काम है किनका है ये काम है महिलाओं का कि आए गए लोगों का स्वागत करना सत्कार करना यह दूसरा काम है एक घर की है शोभा तीसरा काम महिलाओं का क्या है बाल बच्चों को अच्छे संस्कार देना ये हमारे घर की संतान है जो बाहर जाकर के आपके घर का नाम चलेगी उनको अच्छे संस्कार मिलेंगे अच्छी शिक्षा मिलेगी साफ सफाई और शुद्धता की शिक्षा मिलेगी सदाचार की शिक्षा मिलेगी तब ना वो सदाचारी बन सकेंगे ये तीसरा काम चौथा काम है घर की साफ सफाई रखना ये चौथा काम है और पांचवा काम है यदि पति अटर पटर हो तो उसको भी संभाल लेना और सास ससुर कमजोर हो तो उनकी भी सेवा करना ये पांच पांच काम महिलाओं के हैं ये है पुरुषार्थ और सबसे बड़ा पुरुषार्थ है नर हो चाहे नारी हो आत्मकल्याण करना सबका बड़ा सबसे बड़ा पुरुषार्थ हमारे भारतीय संस्कृति के आधार पर चार प्रकार के पुरुषार्थ बताए हैं अर्थ है धर्म काम और मोक्ष पर ये पुरुषार्थ के फल हैं वास्तव चार पुरुषार्थ कौन है अर्थ माने अर्थ है धर्म काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं ये पुरुषार्थ हैं पुरुषार्थ के फल हैं चार पुरुषार्थ कौन है श्रम सेवा त्याग और ज्ञान ये चार पुरुषार्थ है ये न मानव मात्र का अधिकार है चार पुरुषार्थ करने का श्रम माने मेहनत मेहनत करोगे तो क्या होगा अर्थ की प्राप्ति होगी और मेहनत ना करो तो कहां से अर्थ आएगा कहां से धन आएगा भारत का कोई विद्वान था विदेश में गया विदेशी विद्वान ने प्रश्न किया सुख के बाप का क्या नाम है भारतीय विद्वान ने उत्तर दिया पैसा धन अरे धन होगा तब तो आओगे खाओगे पियोगे लगाओगे सुखी हो सकते हो सुख के बाप का क्या नाम है क्या धन और धन के बाप का क्या नाम है क्या, नाम है? क्या नाम है? मेहनत मेहनत ना करोगे धन कहीं से आएगा क्या श्रम श्रम, श्रम से वर्तमान जीवन सुखी होगा आपके पास धन आएगा जीवन सुखी होगा दूसरा है सेवा सेवा से धर्म की प्राप्ति होगी किसी को सहयोग दे दो साथ दे दो सेवा कर दो इसी का नाम है परमार्थ और परमा जब उसको आप में सेवा करोगे सहयोग दोगे साथ दोगे तो आपके धर्म के संस्कार बनेंगे आज किसी का साथ दो सहयोग दो सेवा करो ये धर्म के संस्कार बनते हैं और ये धर्म के संस्कार हमें जन्म जन्मांत तक साथ देते हैं। कैसे देते हैं? किसी के सहयोग कर दिया साथ कर दिया तो उसके भीतर एक प्रसन्नता आ जाती है और वही उसके भीतर धर्म की भावना बन जाती है और वही धर्म के संस्कार जोड़ते हैं आगे जन्म वही व्यक्ति आपको साथ देगा किसी भी खाने में चले जाए पशु में चला जाए पक्षी में चला जाए कीट में चला जाए चाहे मनुष्य में आ जाए तो उसको सहयोग दिया वो आपका सहयोगी बनेगा कैसे मैं छोटा बच्चा था घर के लोग सब बाहर चले गए थे खेत स्कूल से पढ़ के आया खड़ा था दरवाजे पर इतने में एक गिलहरी थी वो चू 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 कर रही थी कभी आगे आए कभी पीछे जाए कभी आगे आए मैंने देखा ये क्यों कर रही है बेचारी चू 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 उसके पीछे हो लिया और पीछे लौटा देखा तो जहां मैं था वहीं सर्फ टंगा हुआ था मैंने कहा कि ओह हो हो यदि मैं यहां ना हो हट जाता यहां रहता तो उस मुझे काट लेती बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय परम पूज्य गुरुदेव की जय परम पूज्य गुरुदेव की जय सभी लोग अपने अपने स्थान में बैठेंगे अपने सामने जगह न छोड़ेंगे आगे, आगे आके बैठेंगे बंदो सन मुख पारखी शीश भेंट दरियात बचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ, साथ शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाये बंदगी बोलिए श्री सदगुरुदेव की मैं अपनी बात को समाप्त करूं थोड़ा सा और मैं बता रहा था कि जिस प्राणी को हम पहले सुख देते हैं वो धर्म के संस्कार बन के वो भी हमें सुख देता बता रहा था छिपकी की बात कि जब मुझे देखी तो वो चू चू करती थी जब मैं उसके पीछे हुआ कुछ दूर और पीछे जब लौटा तो देखा था सर्फ डंगा था मैंने विचार किया हो, हो यदि ये चूं चू ना करती इसके पीछे न आ तो सर्फ भी तो काट लेता उस समय उतना ज्ञान नहीं था पर आज समझ आ रही है कि बोल है वो मेरे धार्मिक पुरुषार्थ का संस्कार थे जो मैंने उसके प्रति कुछ किया होगा वो आज मुझे सहयोग दे रही ये है धर्म के संस्कार किसी भी खाने में प्राणी चला जाए वो आपका सहयोगी बनेगा इसलिए हमें धर्म की भी जरूरत एक महिला मुझे बता रही थी कह गुरु जी आप बिल्कुल ठीक कितने मरे आदमी ने मुझे बचाया उनका कैसे बहन क्या ऐसे की मैं कपड़े का धंधा करती थी कपड़े बिक गए दिवाली का दिन था पैसे लेके जंगल के रास्ते आ रही थी लोगों ने देखा बदमाशों ने कि ये पैसे वाली है कहा बहन किसी कोई साथ में नहीं है साथ में रख के चलती मैंने कहा भैया पीछे आ रहे हैं और जब मैं आगे बढ़ गई देखा कि मेरे पीछे कोई नहीं था तो लोग दौड़े मैंने सोची मैं मारी जाऊंगी और जब वो मेरा मेरे किनारे आए तो सामने एक मैद, नाला था नाला में मुर्दा को लोग गाड़ रहे थे लौट के चले गए मैंने कहा ओह यदि ये आदमी ना मरता और ये लोग यहाँ न आत में भी मारे जाती इसलिए मुर्दे ने मुझे यही तो धर्म के संस्कार है मैं तो बता रहा था कि हम धर्म के संस्कार तैयार करें श्रम सेवा त्याग और ज्ञान ये हमारा मुख्य पुरुषार्थ है वाणी को विराम दूं समय पूरा हुआ बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय अभी हम सब कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर से पधारे परम पूज्य श्री अमय साहेब जी के विचारों से लाभ ले रहे थे परम पूज्य गुरुदेव जी के विचारों के सुनने से पहले श्री कृपा शरण साहेब जी एक पद रखेंगे पूज्य साहब के सुनने के पूर्व एक कबीर साहब का छोटा सा पद आप लोग भी गुनगुनाएंगे <coughs> बोलिए सतगुरो देव की जय बिन चर झिन इन्हें दरिया जी जी बीनी चरिया कहेक ताना काहे भर कााना का भर कौन तार से बीन च

सुष्मन से बीनी चरिया सुष्मन तार से बीनी चरिया झीन झीन बीनी चरिया अष्टकमल दल चरखा डोल अष्टकमल दल चरखा डोल पाँच तत्वगुणतीन चरिया पाँच तत्वगुणती नरिया चदरिया जिन बिन च चदरिया, चदरिया। साई के बुनत माश दस लाग साई के बुनत माश दस लाग ठोक ठोकी के बीनी चदरिया दरिया ठोकी के की चदरिया च दरिया जेन जीन बिनी जीन जीन बीनी चदरिया सो चादर सुर मुनि ओढ़ी सो चादर सुर मुनि ओढ़ी के मैली चदरिया ओढ़ के मैली चदरिया जेन जीन चरिया जेन जे चरिया दास कबीर जतन से ओड़ी दास कबीर जतन से जो जोगी त्यों धर देने चदरिया जो जोगी त्यों धर देने चदरिया दरिया जेन जीन चदरिया च दरिया जेन चदरिया बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय